आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मऊ जिले के मधुबन तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा बिलागन गायन पट्टी में फूलचंद गुप्ता के दरवाजे पर हिंदू आस्था से जुड़े नवनिर्मित डी स्थान का शनिवार को अनावरण फतेहपुर मंडा ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं जाति धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता देने का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम को अखिलेश सिंह राठौर व जिला पंचायत सदस्य सुभाष यदुवंशी ने कहा कि गांव में हिंदुओं के लिए डी स्थान होना एक अहम माना जाता है। महिलाओं देवी देवताओं के साथ डी बाबा की पूजा करती हैं। इस अवसर पर अखिलेश सिंह राठौर, सुशील यादव, कैलाश यादव, अजय गुप्ता, चंद्रदेव, संतोष अयोध्या सिंह, कमलेश सिंह झारखंडे, श्रीकांत पटेल, द्वारका पटेल समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। मधुबन से रत्नील पांडे की रिपोर्ट। सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ उन्होंने व्यापक रूप से थोड़ा बहुत बताया। इतना बड़ा धर्म है, इतना बड़ा विचार है कि इसको अगर अच्छा डिस्कस करने लगे हम लोग लगे तो दिन रात लग जाएंगे। 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है कि जो कहीं ना कहीं से लोग सेंसिटिव सोचेंगे तो सही भी। कल से सावन का मास शुरू हो रहा है, वो भी हम लोग सुनते हैं कि कहते हैं कि मांस मीट मछली नहीं खाना चाहिए सावन में। जब हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सावन में जो है सबसे ज़्यादा पशी पक्षू पक्षी जो बीमार पड़ते हैं इसलिए नहीं खाते हैं लोग सावन में। कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म में ये साइंटिफिकली सोचिए उन ऋषि मुनियों ने क्या सोचा होगा, इन सब चीज़ों को सोच के बनाया, हम उसका पालन करते हैं। इसी के साथ इस मंच की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के हमारे गार्जियन स्वरूप प्रधान जी, खुशिया पार बा दिल खिलल हमार बाना, स्वागत करी हम खुशिया अपार बा दिल खिलल हमार बाना। ब्लॉक प्रमुख प्रवीण अली लागल भारी भीड़, अली लागल भारी भीड़, अली लागल भारी भीड़, प्रधान जी के ममता के धार बा दिल खिलल हमार बाना। स्वागत करी हम खुशियाल पार बा दिल खिलल हमार बाना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।